सिंगापुर से बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज आ रहा है। नए वायरस को लेकर सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी, भारत में मिला कोरोना का वेरिएंट बच्चों के लिए बहुत खतरनाक। मैं चाहूंगा उनके शॉट्स भी दिखाएं राहुल, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है भारत में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। ओंग ये कुंग, इन्होंने कहा है सिंगापुर में बच्चों को बीमार कर रहा है भारत में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब ये दोनों खबरों को देखें आप। मैं चाहूंगा एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सिंगापुर से वे स्ट्रेन आ रहा है, दूसरी तरफ सिंगापुर के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कुछ और कह रहे हैं। मैं चाहूंगा राहुल दोनों दिखाइए, ये दोनों ब्रेकिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब ये अटर कंफ्यूजन है, मामला क्या है इसमें, पहले तो मैं इस कंफ्यूजन पे एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा डॉक्टर सौमित्र का। डॉक्टर सौमित्र, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि सिंगापुर से जो स्ट्रेन आ रहा है वो खतरनाक है बच्चों के लिए, सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं जो भारत का स्ट्रेन है वो खतरनाक है बच्चों के लिए। व्हाट इज अ फैक्ट सर, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या कह रही है? आई थिंक निशान जी, हम लोगों को ये देखना और सोचना चाहिए कि वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेट होता रहता है। अगर आप देखें हर महीने पूरे वर्ल्ड में 2-3 म्यूटेशन एवरी मंथ होती रहती हैं, तो जैसे ही म्यूटेशन होता रहता है उसमें ये देखना होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले जो इंग्लैंड का वायरस था, एक फिर साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, एक ब्राज़ीलियन वेरिएंट था, एक जो हमारे इंडिया में वेरिएंट पाया गया, एक डबल म्यूटेशन पाया गया, और ये जो सिंगापुर में भी जो म्यूटेशन है ये B1617 है, जहाँ पर उनको 17 केसेस अभी नए नए मिले हैं, जो कि उन्होंने देखा है कि ओल्ड एज के अलावा ये यंग पेशेंट में भी हो रहा है। जहाँ कि सिंगापुर में 1/3 पॉपुलेशन को अभी वैक्सीनेट कर दिया है, लेकिन जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए सर क्या समझा जाए, ये सिंगापुर का वेरिएंट है या भारत का वेरिएंट है, वेरिएंट कौन सा है ये? देखिए जो वेरिएंट है उसके लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो वेरिएंट है हर समय, जैसे मैंने बोला है, हर महीने 2-3 म्यूटेशन होते हैं निशान जी, हर महीने पूरे वर्ल्ड में 2-3-4 म्यूटेशन होते हैं। अब ये है जो वेरिएंट है, जहां पर पहले पाया जाएगा नॉर्मली वो वाला वेरिएंट होता है, जैसे यूके वाला, यूके में जब पहले पाया गया तो उसको यूके वेरिएंट बोला, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया उसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, जो ब्राज़ील में पाया गया वो ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, हमारे यहाँ जो पाया गया है वो अलग है, देन देयर इज ए डबल म्यूटेशन एज वेल। डॉक्टर वली, वेरी क्विक रिएक्शन सर, क्या समझा जाए, हम लोग प्रिकॉशन क्या लें सर? उन्होंने अटमोस्ट सावधानी ये ली है कि स्कूल्स बंद कर दिए, फौरन स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि जैसे ही बच्चों को उन्होंने देखा, वो बहुत सावधान कंट्री है, छोटी कंट्री है, वो बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, वो जब मास्क लगा रहे थे जब मास्क का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, तो अभी उन्होंने जो फौरी इस पे 617 पे संज्ञान लेते हुए स्कूल बंद किए हैं, इसमें मैं यही कहूँगा कि हमको जैसे डॉक्टर सौमित्र रावत मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा है कि हमको इस समय इसके नाम के और ओरिजिन के चक्कर में ना पड़ के हमको भी अपने बच्चों की हिफाजत 617 जो स्ट्रेन है इससे करनी है, और अब हमारा जीनोमिक डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है, वी विल आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी स्ट्रेन, बट ये सावधानी के हमको फ्लाइट्स बंद करनी है, ये अपने में एक अलग डिसीजन है, ये बड़े लोगों के लिए है वो लेंगे, लेकिन हमको फिर वहीं आके इसको संवाद को ख़त्म करना है कि मास्क लगाना है, घर में रहना है, 2 मीटर से ज़्यादा की दूरी रखनी है, सैनिटाइज करना है और अपने को लॉकडाउन में रखना है, यही प्रिंसिपल गांवों के लिए मैं बताऊंगा, यही प्रिंसिपल शहर वालों के लिए बताऊंगा, और उसके हम अच्छे नतीजे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं एक बहुत दुखद खबर दिखाने जा रहा हूं, आप लोगों ने जो बताया ये है, पहले तो बच्चों को सावधान रहना है। मनीष शुक्रिया, मैं आपको ज्यादा देर तक ऑन होल्ड नहीं रखूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।